वेलकम बैक एवरी वन टू आवर नेक्स्ट वीडियो इन सीरीज पर्टिकुलर दर्स विच हैज बिन स्पेसिफली डिजाइंड फॉर लाइक अ पर्सन फ्राम एनी बैकग्राउंड कैन लर्न कैन लर्न डेटा साइंस कोर्स का एक जो ऑब्जेक्टिव जो हम बार बार रिट्रीट कर रहे हैं कि प परसन फ्राम एनी बैकग्राउंड कैन लर्न डेटा साइंस ये सारा कोर्स उसी से रिलेटेड है इससे अगर हम आगे चलें तो अभी हम देखें कि जो लोग इस कोर्स को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं कि लाइक ओवरऑल वेर वी आर स्टैंडिंग सो ओवरऑल वी वी आर ट्राइंग टू एड्रेस थ्री पॉइंट्स इन दिस सेक्शन ऑफ वीडियोस जिसके अंदर अभी तक हमने जो है वो दो पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं और थर्ड अभी ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा ये अभी आपका जो है हमने अभी एक्सप्लोर करना है सो so, इसमें हम आगे चलते हैं अब हम इस जो आने वाली एक दो तो वीडियोज होंगी उसके अंदर हम ये चीज़ें कवर करेंगे और फर्दिकुलरली पर्टिकुलरली इसके अंदर दो एस्पेक्ट होंगे एक लेमन एस्पेक्ट होगा और एक कोर डेटा साइंस ओरिएंटेड एस्पेक्ट होगा कि डेटा साइंस लाइफ साइकिल होता क्या है जिसको हम एक्चुअल में डेटा साइंस कहते हैं वट एक्चुअली इट इज़ ठीक है पहले हमने वाई डेटा साइंस पे, पे एक्सरसाइज किया देन वी जम्प टू एक टूल या कोडिंग क्यों रिक्वायर होती है जिस तरह भी हमने बताया कि जस्ट टू एक्सप्लॉयट ह्यूमन ब्रेन एलिटिकल कैपेबिलिटी या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को पेसअप करने के लिए हम टूल यूज़ करते हैं इस डेटा साइंस डोमेन के अंदर जो पहली वीडियो थी उसमें हमने देख देखा था कि डेटा साइंस इज गोइंग टू बी अ मस्ट टू हैव स्किल सेट इन योर रिज्यूमे और थर्ड अभी जो uh, ये वीडियो और इससे अगली जो वीडियो है वो डेटा साइंस के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए है सो so इसमें अगर हम चलें तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरऑल लाइफ साइकिल के बारे में तो जो दो चीज़ें आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो है दो टर्म्स आपने याद रखनी है फॉर रेस्ट ऑफ द कोर्स नंबर वन इज़ क्रिस्प सीमा सो दीज आर टू लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क कह लें या मॉडल्स कह लें जिसकी बेस पे हम डेटा साइंस को इम्प्लीमेंट या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के मॉडल डेवलप करते हैं फर्स्ट वन इज क्रिस्प क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडाइजेशन प्रोसेस इज आइट्रेटिव साइक्लिक प्रोसेस जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे देन देर इज सीमा मॉडल सीमा मॉडल को हम कोर्स के एंड पे एक्सप्लोर करेंगे बट जो आपका क्रिस्प मॉडल है वो हम अभी इसी वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लोर करेंगे सो so, जब हम सीमा मॉडल की बात करते हैं तो लाइक किस चीज़ का नाम है इस लाइक क्या चीज़ इन्वॉल्व है इसको हम आहिस्ता आिस्तक अन रैप करना शुरू करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि डेटा साइंस का मॉडल कैसे बनता है सो मूविंग फॉरवर्ड आपने जो है वो जब डेटा साइंस की या आने वाली वीडियो होंगी इसमें आपने तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स माइंड में रखनी है जिसको मैं बार बार यूज़ करूँगा एक जो है किसी बेबी को फॉर एग्जाम्पल एक एक फ्रेश बोर्न है या इन्फेंट है उससे हमने कार्ड्स का जो हमारे हाथ में कार्ड्स हैं उसका कलर गैस करवाना है दूसरी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ट्रेनिंग इस एग्ज़ाम्पल को हमने माइंड में रखना है थर्ड जो है वो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स ठीक है इन तीन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है देन ही इज़ लाइक डाइस की तरफ से जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम जो है वो डेटा साइंस की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं उसके लिए हम इन स्लाइड्स को लेके चलते हैं सो so आपने आने वाली वीडियोस के अंदर अटेंटिव रहना है और दूसरा ये है कि आपने इन तीन एग्जांपल्स को माइंड में रखना है ये जो तीन एग्जांपल्स मैंने बताई आपको एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पिक्चर कि इस पिक्चर में है क्या दूसरी जो चीज़ है इसमें आपने माइंड में रखना है कि जो हम मशीन लर्निंग सुनते हैं ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते हैं इट्स ओनली लिमिटेड टू दिस सेकेंड स्टेप ठीक है रेस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस डेटा प्रिपरेशन जो फर्स्ट लेयर है फिर जो कोर ए आई कोर मशीन लर्निंग इन्वॉल्व होती है वो सेकंड स्टेप से होती है देन स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग जो है वो इस हम थोड़ा इस वीडियो के अंदर रफली टच करेंगे बट डाउन द रोड हम इसको और एक्सप्लेन करके या डिटेल में देखेंगे सो so, पहला हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा साइंस के लाइफ साइकिल में सबसे जो पहली पहला स्टेप होता है वो होता है आपका कोई बिजनेस क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो आ, क्या कह लें उसे कि एक पेशेंट आया है हॉस्पिटल में उसकी रिपोर्ट्स देख के एक मशीन से उसकी हेल्थ के के पी आई प्रोडिक्टवाना है या स्टेटिस्टिक्स प्रोडक्ट करवाने हैं लोन डिफ़ॉल्टर के कि किसी को लोन देने से पहले बैंक ये प्रोडक्ट करवाना चाहते हैं कि कहीं ये डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा ताकि एंड पर्पज़ ये है कि मैं अपने लोन डिफ़ॉल्टर्स या जो डेड लोन होंगे उनको मैं कम कर सकूँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उससे बारे में कस्टमर आइडेंटिफाई करने के कि किस कस्टमर को ये पिच करना चाहिए तो इट्स लाइक like पहला जो स्टेप मेन स्टेप होता है वो आपका होता है ये आपका बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कि बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होती है देन जब ये पहला स्टेप हो जाता है इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है आपका वो होता है डेटा एक्सप्लोर करना अगर हम इसको देखें तो फॉर एग्जाम्पल ये कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो कौन कौन से डेटा पॉइंट्स है बिकॉज वी आर टेकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा डेटा डिट डिसीजन मेकिंग तो एक दफ़ा जब कोई एक प्रॉब्लम लॉक हो गया तो मैंने ये देखना है कि इससे रेलीवेंट जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैंने हेल्थ प्रडिक प्रडिक करनी है पेशेंट्स की तो मेरे इर्द गिर्द जो है वो रेलिवेंट डेटा के क्या है मैं एक्सप्लोर करूँगा अपनी इन्वायरमेंट को कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो कौन सा डेटा पड़ा हुआ है मेरी इन्वामेंट के अंदर देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी फॉर एग्जांपल जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे जो है वो पेशेंट्स रिपोर्ट्स नहीं होंगी देन जो नेक्स्ट चीज़ मैंने अब करनी है अब ये करना है कि मैंने उस डेटा को अपने पास जो है वो कलेक्ट करके स्टोर करना है या कह लें कि उस डेटा को एक ऐसी शेप के अंदर लाना है कि मैं उसे मशीन को जो है वो फीड इन कर सकूँ मशीन मेरी मशीन उसे यूज कर सके जिसमें मैं डेटा साइंस कर रहा हूँ ठीक है तो इट्स ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ़ द डेटा जब मैंने एक्सप्लोर कर लिया कि डेटा किस फॉर्म में स्टोर होना चाहिए उसके अंदर बाकी क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें एक टर्म आ रही है फीचर जो कि हमारी आने वाली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल में देखेंगे बट फीचर बिल्डिंग डेटा प्रपरेशन नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसका ये थर्ड स्टेप ये होता है देन जो अगर हम आगे चलें तो फिर फोर्थ स्टेप ये होता है कि डेटा कलेक्ट हो गया है उस डेटा को मैंने अंडरस्टैंड करना है या डेटा की कह लें कि क्वालिटी इम्प्रूव करनी है ठीक है तो इसके लिए जो है वो डेटा साइंस के अंदर जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं ईडी तो ईडी इज अ कम्प्लीट फील्ड विद इन डेटा साइंस जिसके अंदर जो है वो हम जो कलेक्टेड डेटा है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इन टेक्निक्स को हम वन बाय वन आगे चल के देखेंगे और ये कोर्स के अंदर हमारे आने वाले ट्रेनिंग के जो वीडियोज होंगे उसके अंदर मेजर एक कंट्रीब्यूशन की होगी तो ये स्टेप हो गया तो अगर मैं पहले देखा तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप डेटा कलेक्शन लाइक बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके जो डेटा की क्वालिटी इंप्रूव करने तक का कर, जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर अगर हम अब आगे चलें तो नेक्स्ट स्टेप बनता है आपका जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया अगर आप दोबारा देखें जो आपका कोर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो कोर मशीन लर्निंग है आपकी वो एक्चुअल में सेकेंड स्टेप पे होती है इस कोर जो आपका डेटा साइंस का लाइफ साइकिल होता है अगेन जो पहले मैं हाईलाइट कर चुका था कि आपने बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यू हैव टू कीप दीज थ्री एग्जाम्पल्स इन माइंड और हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे जो है वो आ, जो है वो कोरिलेट करेंगे अब सबसे पहले चलते हैं पहली एग्जाम्पल्स की जब मैं लाइक ए आई की बात करता हूँ तो या कह लें कि कोर मशीन लर्निंग की बात करता हूँ जो कि डेटा साइंस का एक सबसेट है तो उसके अंदर जो अगर मैं जो चीज़ आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ या जो चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो आपकी जो एग्जांपल्स जिसको मैं फॉलो करूँगा वो है बेबी की लर्निंग का एक प्रोसेस कि क्या होता है और इमेजिन ये करें कि अगर मुझे किसी बेबी को कार्ड्स जो हैं वो कार्ड्स का कलर उससे गैस कराना है तो उसका लाइफ साइकिल क्या होगा तो डेटा साइंस का या जो कोर मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल है वो भी बेबी ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसको मैं जगह जगह यूज़ करता हूँ बिकॉज इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर लेमेन ठीक है आप किसी बैकग्राउंड से यू कैन यू कैन रिलेट इट सो एग्ज़ाम्पल ये है कि मैंने सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो कोई बेबी चूज़ करना है जो पहला स्टेप है ठीक है ये जो हमारा पहला स्टेप है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल किस तरह के बेबी को जो है वो चूज़ करना है ये मेरा जो मेरा यहाँ पे एम का पार्ट है या जो मेरा ए का पार्ट है ये वाला इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो एक बेबी सिलेक्शन अगर मैं ये देखूँ तो चूज कवर्ड वर्ड है अभी हम देखेंगे जब हम बेबी सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम आगे जाके एक आ, डिफरेंट जो है वो एल्गोरिदम्स देखेंगे तो हम उनको डिटेल में देखेंगे देन बेबी सिलेक्ट हो गया अब पॉइंट कि उसको ट्रेन करने की जरूरत है अगर मैं इसको थोड़ा और जूम इन करूर्म तो देखें नेक्स्ट स्टेप इज लाइक अब मैंने बेबी सेलेक्ट कर लिया है नेक्स्ट स्टेप इज मैंने जो है वो बेबी को ट्रेन करना है ट्रेन करने के लिए मुझे मार्केट में जैसे जाके कुछ जो है वो कार्ड्स खरीदने पड़ेंगे उन कार्ड्स को जो है वो मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा एक कार्ड जो होगा वो मैं यूज करूंगा एक सेट हंड्रेड कार्ड्स का जहां पे जो मैंने देखे हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए तो जो हंड्रेड कार्ड्स हैं उनको मैं डिवाइड करूंगा सो टू हंड्रेड जो कार्ड्स हैं उनको दो से मैं डिवाइड करूंगा हंड्रेड कार्ड्स मैं ट्रेनिंग के लिए रखूंगा हंड्रेड कार्ड्स जो है वो मैं टेस्टिंग के लिए रखूँगा टेस्टिंग का फेज जो है वो हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं अब इसके अंदर जो ये हंड्रेड कार्ड्स हैं ये मैं हंड्रेड कार्ड्स क्या निकालूंगा कि फॉर एग्जांपल इन हंड्रेड कार्ड्स के अंदर से फिफ्टी येलो कार्ड्स हैं फिफ्टी रेड कार्ड्स हैं अब मैं क्या करूंगा इस बेबी को जो है जिस बेबी को मैंने ट्रेन करना है इसको मैं पहले जो है वो येलो कार्ड दिखाऊंगा और पहले मैं इसके सामने कार्ड जो है ना वो अच्छी तरह घुमाऊँगा रोटेट करूंगा और मैं उसके साथ बेबी को बता रहा हूँ कि ये जो कार्ड है ये येलो है <coughs> और साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बता रहा कि ये देखो एक कार्ड की विट्थ इतनी है कार्ड का फॉर एग्जाम्पल एक साइड से जो कॉर्नर्स हैं वो इस तरह के होते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद जो है वो कार्ड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है तो तब ये कार्ड येलो होता है सिमिलरली मैं रेड दिखाऊंगा और साथ उसको उसको गाइड कर उसको ट्रेन कर रहा कि यार इस तरह के कार्ड येलो होते हैं इस तरह के कार्ड्स जो हैं वो रेड होते हैं तो ये हो गया मेरा ट्रेनिंग का फेज ठीक है अब जब बेबी को मैं हंड्रेड कार्ड दिखा चुका चुकाऊंगा तो जो नेक्स्ट चीज आई विल मूव फॉरवर्ड वो है आपकी अब मैंने उसकी ट्रेनिंग को चेक करना है कि उसने कितना अच्छा जो है वो कह लें कि या कह लें कि ये ट्रेनिंग का जो स्टेप है इसको मैं अगर डिटेल में अगर देखूँ तो वो ये है ठीक है और जो है अगर मैं देखूँ तो इट वॉज मोर अबाउट डेटा कलेक्शन एंड अदर स्टेप्स और जो मैंने अभी आपको बेबी को ट्रेन करने का बताया वो यही बताया कि ट्रेनिंग कार्ड में सेलेक्ट करूंगा उसको मैं बेबी को शो करूंगा देन जो है वो उसको फॉर एग्जांपल कार्ड को रोटेट करूंगा उसके सामने और उसको कलर बताऊँगा इट्स लाइक एडिंग लाइक सुपरवाइजिंग द बेबी कि यार इस तरह का कार्ड इस कलर का होता है ठीक है ये सारी जो है मैं जो कह लें कि जो पूरा स्टेप्स हैं ये मैं हंड्रेड कार्ड्स के लिए रिपीट कर रहा हूँ अगर मैं दोबारा बताऊं तो मैं जो है वो हंड्रेड कार्ड्स के लिए रिपीट कर रहा हूंगा ताकि मैं बेबी को मैक्सिमम स्नैरियोज और मैक्सिमम लर्निंग करवा सकूं अब जो अगला फेज स्टार्ट होगा वो होगा आपका बेबी की टेस्टिंग का कि अब मुझे किस तरह पता कि बेबी ने सीखा है कि नहीं सीखा अब वो जो रिमेनिंग कार्ड जो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो मैंने फॉर एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया आपको इस जगह पे जो मैंने छोड़ दिए थे आउट ऑफ टू हंड्रेड अब उन्हीं कार्ड्स को मैं जो है वो इस स्टेप के अंदर यूज करूंगा ठीक है अब मैं क्या करूंगा अब ब्रेदर देन टेलिंग बेबी अ कार्ड कलर मैं कार्ड निकालूंगा जो मैंने हंड्रेड कार्ड्स पहले साइट पे कर दिए थे आउट ऑफ टू हंड्रेड कार्ड मैं वो बेबी को दिखाऊंगा और मैं कहूंगा कि अब आप मुझे बताएं कि इस कार्ड का कलर क्या है मैं आपके सामने घुमा रहा हूं नो टेल मी जेस्टर विद योर वर्ड्स ठीक है कि जो है वो ये ये कार्ड का कलर है ठीक है तो इट्स लाइक टेस्टिंग बेबी लर्निंग और ये मैं हर कार्ड के लिए देखूंगा अब मैं इसमें देखूँ तो इसमें जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड का कलर जो है वो बेबी बताएगा और एक जो कार्ड का कलर है वो मुझे खुद पता होगा फॉर एग्जाम्पल के आ, सेम कार्ड का कलर कि ये कार्ड का एक्चुअल कलर क्या है सो so, मैं क्या कर सकता हूं उस फिर जो कार्ड का कलर है उसको मैं जो है ना वो उसके आंसर को मैं आपस में टैली कर सकता हूं कि एक जो बेबी आंसर दे रहा है जो मेरे पास आंसर है उन दोनों में क्या फर्क है सो so उससे मैं क्या कर सकता हूँ कि बेबी की लर्निंग की एक्यूरेसी निकाल सकता हूं और दोबारा एक जो है फॉर एग्जांपल एक जो हमने यहाँ एनिमेशन से भी हाईलाइट किया है फर्क ट्रेनिंग और टेस्टिंग फेस में जो है इन दो सर्कल्स का है आप देख सकते हैं कि यहां पर बेबी को कलर बता रहा था यहां पर मैं पूछ रहा हूं बिकॉज आई एम नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई मूव फॉर फ्रॉम ट्रेनिंग टू टेस्टिंग फेज इसके अंदर फिर जो नेक्स्ट फेज बनता है आपका वो ये है कि इसके बाद अगर मुझे कोई कॉन्फिडेंस आ जाता है ठीक है तो फिर मैं इसको जो है वो बेबी को कहीं डिप्लॉय कर दूंगा या कह लें कि बेबी को एक्चुअल लर्निंग के लिए मैं कहूँगा कि हाँ ये रेडी है ठीक है अगर मैं इन चीजों को देखूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें मेरी इससे लिंक करेंगी बिल्डो ट्रेन इसको हम आगे जाके और भी देखते हैं ये मेरा बेबी की ट्रेनिंग का वेलिडेशन का स्टेप है और ये जो है ये उसको डिप्लाई करने का स्टेप है अब अब जब भी कोई बंदा आपसे मशीन लर्निंग या एआई की बात करे तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि यार जो चीजें जो हैं वो व्हेन यू टॉक अबाउट एमएल एंड एआई या मशीन लर्निंग तो डेटा साइंस के अंदर एक सबसेट है ठीक है डेटा साइंस शुडेंट बी कंसीडर्ड लाइक इक्वल टू तो एम ठीक है ये नहीं है बल्कि डेटा साइंस जो है उसका एक सब चंक जो है वो एमएल है इस कॉन्सेप्ट को हम आगे भी जाकर रिवाइज करेंगे बट एक ये चीज यहां पे क्लियर कर लें देन जो नेक्स्ट चीज अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसके अंदर जी जो अगली एग्जाम्पल है वो एग्जामिनेशन सेंटर अब जब हम एग्जामिनेशन के सेंटर की बात करते हैं तो हम दो स्नियोज को डिस्कस करते हैं अप्रोच नंबर वन ये है कि जब टीचर आपको ट्रेन कर रहा था जब आपको पढ़ा रहा था तो टीचर ने कंप्लीट बुक के अंदर से कुछ जो है ना वो एग्जाम्पल्स वो क्लासरूम के अंदर करवाई ठीक है अब इस टीचर ने जब एग्जाम क्लासरूम के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स कराई हैं जब आपके पेपर हुए तो उसने देखे सेम एग्जाम्पल्स जो हैं वही सेम एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम हॉल के अंदर दे दिए तो डेफिनेटली चांसेस आर हाई कि आपके जो मार्क्स होंगे या क्लास के मार्क्स होंगे वो काफी रिलेटिवली हाई आएंगे अप्रोच नंबर टू ये है कि अगर मैं फर्क देखूं तो इन दोनों आपने इन दोनों बॉक्सेस का फर्क देखें तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि अब टीचर ने आपको पढ़ाने के बाद एग्जाम हॉल के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूज किए ठीक है।, है तो आपके मार्क्स जो हैं वो क्लास के ओवरऑल कम हो जाएंगे अब इन दोनों अप्रोचेज में से दोनों अप्रोचेज वैलिड हैं आपको डिग्री मिल जाएगी ठीक है बट अगर हम लॉजिकली देखें तो जो पहली अप्रोच सेकेंड अप्रोच है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है बिकॉज वी आर टेस्टिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट ठीक है इन डिफरेंट इन्वायरमेंट आर बेस्ड ऑन डिफरेंट एग्जाम्पल जो कि उनको मैंने क्लास में नहीं करवाई तो आई कैन रिलाई मोर ऑन ठीक है जो है सेकेंड अप्रोच क्योंकि मैं उसको बिल्कुल डिफरेंट एनवायरमेंट में बैठ के टेस्ट कर रहा हूं तो इसलिए पहली अप्रोच जो है वो रिकमेंडेड नहीं है तो अगर मैं इसको पिछली स्लाइड से रिकमेंड करूँ कि ये जो दो अप्रोचेज मैंने कंपेयर की हैं तो यहाँ पर जब मैं बेबीज को के दो हिस्सों में कार्ड डिवाइड कर रहा हूँ कर रहा था तो वो इसलिए कर रहा था कि जिन चीज़ों पर मैं बेबी को ट्रेन कर रहा हूँ वो चीज़ें मैंने दोबारा जो है आ, टेस्टिंग के वक्त यूज़ नहीं करनी मैंने बिल्कुल डिफरेंट दिफ्र, सिनेरियो जो है वो यूज़ करना है या डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड या डिफरेंट डेटा मैंने यूज करना है सो अगेन मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल सो so, uh, ये अप्रोच जो है हमारी ये वाली जो अप्रोच है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अगर हम प्रॉपरली किसी पे किसी की लर्निंग टेस्ट करना चाहते हैं अब अगर हम आगे चलते हैं एक थर्ड एग्जांपल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की थी ठीक है इट्स मोर फोकस्ड टूअर्ड टेस्ट नैरियो हमने पिछले वाली दो स्लाइड्स के अंदर या दो पिछले वाले कुछ मिनट्स के अंदर हमने ये सारी चीज़ें स्टेप कवर की हैं ठीक है ये टेस्टिंग अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये टेस्टिंग कहाँ से इन्वॉल्व होती है अब हम इस चीज़ को देखते हैं इसकी एग्जाम्पल ये है कि इमेजिन ये करें कि आपने कोई पुलिस वाला कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाला बंदा आपने ट्रेन हुआ एक अकेडमी से एक अपनी पास आउट करके आया चीज़ों को ठीक है वो जब पास आउट हुआ तो सोल्जर को हमने ट्रेन किया वो अकेडमी से पास आउट हो गया उसको हमने किसी फॉर एग्ज़ाम्पल चेक पोस्ट पर जो है वो क्राइम डिप्लॉय करने के लिए कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया है उसके मैं गेट्स पर खड़ा कर दिया कि यार अब मैंने यहाँ पे इस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे को या अगर आप कह लें कि पुलिस के बंदे को एक चेक पोस्ट पर डिप्लॉय कर दिया तो चेक पोस्ट से आगे अब क्राइम्स कम हो जाएंगे ठीक है तो अब सिनेरियो वन ये था कि जैसे ही मैंने उसे डिप्लॉय किया तो उनके जो क्राइम्स हैं वो कम हो गए बट आफ्टर सम टाइम उसके जो क्राइम्स हैं वो बढ़ गए अब स्नैरियो सिनेरियो ये है सिनेरियो नंबर टू ये है कि मैंने दूसरे सोल्जर को एक दूसरा और सिनेरियो था एक और सोल्जर था उसको क्या किया मैंने कि फॉर एग्जाम्पल उसके जो जब मैंने उसे इमिडिएटली डिप्लॉय किया क्राइम रिड्यूज हो गए बट मूविंग फॉरवर्ड भी क्राइम्स रिड्यूज ही रहे ये दो स्नैरियोज हैं अब अगर मैं इन दोनों स्नैरियोज को कंपेयर करूं तो इस लाइक like, दोनों स्नैरियो के अंदर मेन फर्क क्या था लाइक like, क्यों एक साइड पे मैंने सोल्जर को डिप्लॉय किया और जो है वो उस सोल्जर ने जो है वो कुछ अरसे तक तो वो कंट्रोल करता रहा बट कुछ अरसे बाद चीज़ें क्राइम्स इंक्रीज हो गए बट एक साइड पे जो है वो ये है कि परमानेंटली जो है वो हो गए क्राइम्स रिड्यूस अब इसमें से भी अगर मैं देखूं तो इसमें से भी जो आपकी है सेकेंड अप्रोच वो ज्यादा रिलायबल आप इस तरह के सोल्जर पे ज्यादा रिलाई करेंगे पहले वाले सोल्जर पे आप रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि वो परमानेंटली चीजों को कवर नहीं कर पा रहा था ठीक है तो इस केस में क्या होगा कि मैं सोल्जर को वापस ट्रेनिंग के लिए रिसेंड करूंगा कि भाई जन आप दोबारा जाएं अकेडमी के अंदर दोबारा चीजें सीख कराएं ठीक है तो इसमें जो टेस्टिंग का फेज़ है वो यही है कि मैंने बेबी को डिप्लॉय कर दिया कार्ड की कलर की प्रोडिक्शन के लिए तो देर आर हाई चांसेस कि शुरू में वो जो उसकी मॉडल की कह लें कि जो आपकी थी कार्ड कलर की प्रोडिक्शन वो फॉर एग्जाम्पल या गैसिंग वो नाइन्टी परसेंट डेकोरेट बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ क्योंकि मार्केट के अंदर कार्ड्स डिफरेंट आ गए मार्केट कोई तो और रिचेंज हो गया तो अब क्या होगा कि मैं बेबी को दोबारा यहां पे बेबी को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे को मैं रीट्रेन करने के लिए भेजूंगा कि भाईजन आप रीट्रेन हो जाए ठीक है रीट्रेन होके आए और तब दोबारा इस प्रोसेस है तब हम डिप्लॉय करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्राइम्स परमानेंटली डिड्यूज होने चाहिए अगर हम इसमें आगे चलें तो ये तीनों एग्जाम्पल्स जो भी हमने कवर की और इसको क्रिस पे मैप करें फॉर एक्जाम्पल जब हम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो इट्स लाइक ब्रॉडर रिक्वायरमेंट को गैदर करना कि एक्चुअल में हमने करना क्या है हमने कोई बेबी ट्रेन करना है हमने सोल्जर ट्रेन करना है हमने स्टूडेंट को बेटर जॉब्स के लिए ट्रेन करना है लाइक व्हाट्स दी ऑब्जेक्टिव दैन जो नेक्स्ट फेज़ है वो ये है कि अंडरस्टैंड करना इन्वायरमेंट को कि मुझे बेबी को या मुझे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था यहाँ से भी जो प्रॉब्लम मैंने चूज किया उसके मुताबिक मुझे जो है वो क्या चीज़ जो है वो ट्रेन करनी है या क्या चीज़ किस तरह की इन्वायरमेंट मुझे चाहिए वो ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ठीक है जब ये फाइनल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं फिर उससे रिलेटेड जो है वो डेटा कलेक्ट करूंगा फॉर एग्जाम्पल बेबी को ट्रेन करना था तो मैंने कार्ड्स कलेक्ट किए ठीक है, है अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को ट्रेन करना था तो मैंने जो है वो नोट्स और एग्जाम्पल्स क्लास से कवर की देन जो है अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे को या पुलिस के बंदे को ट्रेन करना था तो मैंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हिस्टोरी कलेक्ट करना शुरू की अब जब ये सारी चीज़ें होगी तो फिर क्या हुआ कि मुझे ये पता लगा कि अच्छा यार अब मैंने सेलेक्ट क्या करना है क्या मैंने बेबी सेलेक्ट करना है क्या मैंने सोल्जर सेलेक्ट करना है क्या मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है या कह लें कि उसकी जो है वो लर्निंग मैथडॉलॉजी क्या होगी क्योंकि बेबी को अगर ट्रेन करना है तो उसकी मैथडोलॉजी अलग होगी उसकी ट्रेनिंग की अगर मैंने जो है वो एक एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे को ट्रेन करना है तो उसकी अलग होगी देन सो so ऑन ठीक है इस तरह चीजें चलेंगी तो यहाँ पे लर्निंग मैथडोलॉजी बेस्ड ऑन यूअर कह लें कि प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी ठीक है अब नेक्स्ट फेज आता है एवेल्यूशन का एक एवेल्यूट करना कि उसकी लर्निंग को वेरीफाई करना कि एक जो मैंने जो चीज़ लर्न करवाई है उसको वेरीफाई करना कि यार कैन आई रिलाई ऑन इट और नॉट ठीक है तो इसमें जो है अब बेबी की जो लर्निंग होगी वो डिफरेंट तरीके से हम टेस्ट करेंगे सोल्जर की लर्निंग डिफरेंट तरीके से टेस्ट करेंगे स्टूडेंट की लर्निंग डिफरेंट तरीके से टेस्ट करेंगे तो एक किस्म का लर्निंग मैकेनिज्म डिफाइन और एवोल्यूशन ये टेस्टिंग एवोल्यूशन जो है वो टेस्टिंग मैकेनिज्म डिफ़ाइन करना अब जो नेक्स्ट इसमें चीज़ आएगी वो आएगी कि अब जब एक दफ़ा हम उस पर रिलाई कर लेंगे तो फिर हम जो है उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे कि जो है वो जो चीज़ें हैं वो किस तरह हम उस पर रिलाई कर सकते हैं अब इसके अंदर आपने एक चीज ये याद रखनी है कि ये इट्स 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 एन आइट्रेटिव अप्रोच और सेकंड ये है कि जब हम क्रिस्प की बात करते हैं तो इट्स अ अप्रोच लाइक अगर आप यहां से देखें तो यहां पे डिफरेंट एरोज हैं होता ही है कि इस पूरी डेटा साइंस की लाइफ साइकिल के अंदर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन मूव फ्रॉम वन स्टेप टू अदर स्टेप ठीक है या जैसे जैसे आपको लगे कि यहाँ से चीज़ें चेंज चीज़ हो रही हैं तो आप आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली जंप कर सकते हैं ठीक है तो डेटा साइंस की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो यू हैव टू रिमेंबर नंबर वन थिंग इज क्रिस्ट डेटा मॉडल दूसरा जो है आपने अगर मैं अगर पीछे चलूँ जो चीज़ मैं एम्फरसाइज करना चाह रहा हूँ कि जो मैं आ, तीनों एग्जाम्पल से भी लेके कर चल चलाऊँ और हमारी जो बार बार स्लाइड्स के अंदर भी हैं वो है आपकी ये पिक्चर और आपने ये याद रखना है कि इसमें जो कोर ए या जो कोर एम का पार्ट होता है वो सिर्फ सेकेंड स्टेप पे इन्वॉल्व होता है ठीक है तो इफ एनी वन आस्क यू कि डेटा साइंस क्या है ठीक है और डेटा साइंस और एम में क्या फर्क है तो एम एल इज आ सबसेट ऑफ डेटा साइंस ये कंप्लीट जो है ये आपका डेटा साइंस का लाइफ साइकिल है इसको स्टोरी टेलिंग वाले एलिमेंट को हम आगे जाके कवर करेंगे बट जो इसमें कोर एमएल है वो सिर्फ आपका ये वाला पार्ट है ठीक है तो अभी इस स्लाइड से रिलेटेड जो आउट जो आपकी फॉर एग्जाम्पल टेक अवे थी वो ये ही डायग्राम थी ये वाली डायग्राम तो अभी हम जो है वो दोबारा आगे मूव करते हैं इस पूरे सेक्शन के अंदर कि क्रिस्प की समरी ये है नेक्स्ट मॉडल जो है वो सीमा है वी आर पार्किंग इट फॉर एंड ऑफ द ट्रेनिंग जब चीज़ें और डिटेल में हम चले जाएंगे फिर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे सो अगेन कमिंग बैक टू टू समराइजेशन ऑफ दिस सेक्शन अभी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं तो हमने तीनों चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं कि डेटा साइंस क्यों चाहिए ठीक है यहाँ से अगर आप याद रखें तो स्किल सेट आप देख लें माइंड में रखें देन जो है वो आप टूल क्यों चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे पाइथन आर एंड नाइन की बात की देन मूविंग फॉरवर्ड डेटा साइंस के लाइफ साइकिल क्या है इसके अंदर भी दो चीजें आपने याद रखनी है कि अभी तक हमने ले मैन एंड ईजी वर्ड्स के अंदर हम जो है वो चीजों को जिस तरह एक्सप्लेन कर सकते थे हमने वो किया अभी जो डोमेन स्पेसिफिक या टेक्निकल एस्पेक्ट है या स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है वो हम अगले आ, वीडियो के अंदर कवर करेंगे ठीक है सो मूविंग फॉरवर्ड आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग द कोर्स ओवरऑल एंड हैप्पी लर्निंग अहेड एंड स्टे स्टेट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ओके अल्लाह हाफिज़